पुतिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देते हैं। पुतिन की चेतावनी और परमाणु हथियारों की तैनाती के बारे में पूरी दुनिया जानती है। अब ज़ेलेंस्की रूस की इसी हेकड़ी का फायदा उठाने वाले हैं, ये दावा रूस का है। रूस कह रहा है कि ज़ेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का झूठा सबूत दे सकते हैं ताकि रूस पर पाबंदी बरकरार रहे या और बढ़े। दूसरी तरफ जर्मनी में यूक्रेन को हथियार भेजने के बाद के अंजाम चर्चा हो रही है। पुतिन क्या करेंगे या करना चाहिए, इसकी प्लानिंग तो क्रेमलिन में बन रही है, लेकिन रूस की मीडिया ने एक बार फिर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की वकालत की है। यूक्रेन की जमीन पर ऐसे धमाके की कल्पना कई बार की गई, वहां विनाश की यह आशंका 24 फरवरी से अब तक कायम है। पुतिन के हथियारों के जखीरे से सिर्फ एक वॉरहेड ऐसा विध्वंस लाने के लिए सक्षम है, लेकिन शुक्र है कि पुतिन ने अब तक संयम रखा। मॉस्को से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी का कई दौर आ चुका है। कभी खुद पुतिन ने चेतावनी दी, कभी उनके सहयोगी और पूर्व राष्ट्रपति ने, तो कभी रूस की मीडिया ने। रूस की परमाणु धमकी को हल्के में लेने की कोशिश ना करें। रूस का दावा है कि अब ज़ेलेंस्की रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए फिर उकसा रहे हैं। 11 महीनों में यूक्रेन की जमीन पर अनगिनत धमाके हुए। आग के गुबार की वजह कौन सा बम, कौन सी मिसाइल और कौन सा रॉकेट बना, इसके बारे में दुनिया को उतना ही पता है जितना यूक्रेन ने बताया है। यूक्रेन ने अब तक रूस पर कई प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। यूक्रेन का आरोप नंबर एक, रूस ने थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल किया। यूक्रेन का आरोप नंबर दो, रूस ने रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया। यूक्रेन का आरोप नंबर तीन, रूस ने फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया। रूस का दावा है कि अब यूक्रेन रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाने वाला है। रूस की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार है। रूस के दावे की माने तो यूक्रेन खुद अपनी जमीन पर बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। धमाके के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल हो सकता है। रूस पर आरोप लगाते हुए ज़ेलेंस्की झूठे सबूत यूएन में दिखा सकते हैं। रूस का ज़ेलेंस्की पर ऐसा शक क्यों है, ये भी समझिए। 22 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 11वां स्पेशल सेशन है। ज़ेलेंस्की इसमें रूस पर परमाणु सुरक्षा समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाएंगे। दुनिया के सामने ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ कुछ सबूत पेश कर सकते हैं। यूक्रेन चेर्नोबिल एनपीपी में रेडियोधर्मी संदूषण का सबूत देगा। रूस के मुताबिक ज़ेलेंस्की के इस प्लानिंग में अमेरिका और यूरोप भी शामिल है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि रूस पर पाबंदी का समर्थन करने वाले देश रूस के पक्ष में वोट करने से कतराएं। अब ज़ेलेंस्की ऐसा करेंगे या नहीं, ये 22 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन यूक्रेन मानता है कि ऐसी बातों से रूस परमाणु हमले का माहौल तैयार कर रहा है, क्योंकि रूसी मीडिया में लगातार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को सही ठहराया जा रहा है। रूस की मीडिया में कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों को लगता है कि रूस हार मान लेगा, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी तब कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जर्मनी में यूक्रेन को हथियार और लेपर्ड टैंक देने का विरोध प्रस्ताव के पहले दिन से हो रहा है। जर्मनी में विपक्षी पार्टियां इसे न्यूक्लियर वॉर या थर्ड वर्ल्ड वॉर को उकसाने वाला कदम बताती हैं। जर्मनी में विपक्षी पार्टियों ने इसे न्यूक्लियर वॉर या थर्ड वर्ल्ड वॉर को उकसाने वाला कदम बताया है। अब जर्मनी के एक सांसद ने चेतावनी दी है कि रूस का पहला टारगेट जर्मनी हो सकता है। जर्मन सांसद ने न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी दी है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से परमाणु हमले का खतरा बढ़ेगा। पुतिन बदला लेने के लिए जर्मनी पर अटैक कर सकते हैं। यूक्रेन की वजह से नेटो के तमाम देश अब रूस के टारगेट पर आ चुके हैं। जर्मनी के सांसद ने कहा है कि नेटो देशों में यूक्रेन को हथियार देने की एक रेस लग गई है। जर्मनी में विरोध के बावजूद यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजी जा रही है। ये तस्वीरें जर्मनी के पोर्ट की है। ये सभी बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और हथियार कुछ दिन बाद यूक्रेन में होंगे। जर्मनी की सरकार अपने ही देश में विरोध के बावजूद फिलहाल बैकफुट पर नहीं है और पुतिन की तमाम धमकियों को नजरअंदाज कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।